होटल में जो भी दही बड़े बनते हैं वो पूरे 100% उड़द की दाल से ही बनते हैं, तो आपको भी 100% उड़द की दाल ही लेना है, मूंग की दाल बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। और ये वेट न बताओ तो मेरी 150 ग्राम दाल थी, जो फूलने के बाद एक कटोरी हो गई है बड़ी वाली, और इसलिए हमने धुली वाली ली। अगर आपके पास धुली वाली ना हो तो आप स्किन वाली भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से देख लिया था, इसमें कुछ भी नहीं था, फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश करके 3 से 4 पानी धुलने के बाद मैंने इसे भिगो कर रख दिया था पूरी रात। पूरी रात आपको इसे भिगो कर रखना है तभी इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। 3 से 4 घंटे में आपके जो दही भले हैं वो कभी भी फ्लफी और फूले नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब तक आपकी दाल अच्छे से फूली नहीं होगी रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो होटल वाले पूरी रात दाल को भिगो कर रखते हैं और फिर इसको बाद आपको 1 घंटा इसे फ्रिज में लगा देना है ताकि ठंडी हो जाए। ठंडी जब होगी तो काफी अच्छे से पिसेगी और इसमें काफी एक स्पंज आएगा, मतलब ये फ्लफी बनेगी। आप लोग समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। और ये देखिए दाल मैंने भिगो कर रखी थी तो मैंने इसे फ्रिज में लगा दिया था। अब हम इसे पीसेंगे, तो पीसने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देंगे, उसे जरूर फॉलो करना। तो एक छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे, उसके अंदर हम अपनी दाल डालेंगे और इसमें हम सिर्फ 4 चम्मच पानी डाले हैं, और ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है। जितनी दाल आप कम पानी में पीसेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए हमने दाल डाल दिया है, अब इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ना नमक डालेंगे ना जीरा डालेंगे, कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इसे पीसना है। बहुत सारे लोग नमक डाल देते हैं, यही गलती करते हैं, आपको बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है। तो चलिए फटाफट इसे पीस लेते हैं बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह पीस लिया है, पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। इस तरह से गाढ़ा बैटर होना चाहिए, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह स्मूथ सा बैटर रेडी हो चुका है। कम से कम पानी में इसे पीसना है। इस तरीके से जब आप पूरी रात दाल भिगोएंगे तो इसका टेक्स्चर इस तरह से होगा, और इससे जो दही भल्ले या दही बड़े जो भी आप बनाएंगे काफी स्पंजी और फूले फूले से बनेंगे बिना बेकिंग पाउडर या बिना बेकिंग सोडा के। अब इसे हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर करेंगे, तो चलिए फटाफट ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सारा अपना निकाल लेंगे और फिर इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे। तो देखिए कितना स्मूथ है बैटर हमारा, इस तरह से आपका स्मूथ होना चाहिए। तो चलिए निकाल लेते। तो फ्रेंड सारा निकालने के बाद अब इसमें हम नमक डालेंगे 1 चम्मच, और अब हमको इसके हाथ से फिटाई करनी है। जितना अच्छा आप फिटेंगे उतने ही फ्लफी और काफी अच्छे आपके होंगे। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसे 1 से 2 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है एक बार इस तरफ से कर रहे एक बार इस तरफ से कर रहे, ये नहीं, एक ही पोजीशन में आपको बिल्कुल अच्छे से राउंड राउंड घुमा घुमा कर 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से हाथ से फेंटना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल भी हमारी दाल में कोई भी ऐसा नहीं है, दाने दाने दाल है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से हमारा बैटर बना है। और अब हम इसकी फिटाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि ये काफी फूला फूला सा हो। ये देखिए इस तरह से, तो थोड़ी सी मेहनत है लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल होटल जैसे आपके दही बड़े तैयार हो जाएंगे घर में, कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने इसे कर लिया है, अपने हाथों को वॉश कर लेंगे और इसे 2 मिनट का टाइम देंगे, फिर आगे का काम करेंगे चलते गैस की तरफ हाथ को वॉश करने के बाद। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक हमने पैन रखा है, कोई भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा और 2 बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे, मोटी वाली, ये मीठी सौंफ होती है, ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग, तो हींग का जो अमाउंट है थोड़ा सा ज्यादा जाएगा इसके अंदर, 1 चम्मच तक हम हींग डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे इसको, हम बाद में यूज करेंगे। और इस तरह से हम बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसको रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, ना इसमें हम तेल डालेंगे ना घी डालेंगे, धीमी धीमी आंच पर हम 3 का कॉम्बिनेशन करेंगे जो हमने बनाया उसको रोस्ट इस तरह से। अब हमारा जब ये बिल्कुल अच्छे से देखिए फूल चुका है, तब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद। तो फ्रेंड लास्ट में डालना है क्योंकि इसको भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तरह से हिलाएंगे और ये हो गया। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड मसाले हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, गर्म इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप ठंडे कर लेंगे तो अच्छे से इसकी कुटाई हो जाएगी, यानी कूट लेंगे। अब इसको हम इसमें ट्रांसफर कर लें, आप चाहें तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें दरदरा सा बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल कर आएगा। तो चलिए ट्रांसफर कर ले। तो इस तरह से ट्रांसफर कर लिया है, अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इसकी कुटाई करनी। ख्याल ये रखना है इसे बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है, हल्का सा मोटा मोटा सा करेंगे। जब आपने इसे भूना होगा तो इसे हल्का हल्का सा क्रैक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने इसे मोटा मोटा कर लिया है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं किया, आपको भी बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब अपने बैटर को हम चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से फूल गया है। अब इसे चेक करने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, इस टिप को जरूर फॉलो करना। तो 1 कप या ग्लास में किसी में पानी ले लीजिए, कटोरी में इस तरीके से बैटर को हम डालेंगे आपके सामने। ये देखिए गिर जाइए,
ये देखिए ऊपर आ रहा है तो समझ जाइए आपका अच्छे से फूला है, अगर ये डूब जा रहा है तो समझ जाइए आपका बैटर नहीं फूला है। तो देखिए ये टिप जरूर फॉलो करना, इस तरीके से हमने डाला है वो तैर रहा है, तो जब ये पानी में तैर रहा है तो तेल में जाने पे काफी फ्लफी और फूला फूला सा। अगर आप बैटर डालते हैं वो नीचे बैठ जाता है और पानी में मिल जाता है तो समझ जाइए आपका जो बैटर है उसको अभी और रेस्ट की जरूरत है। और दाल पूरी रात 24 घंटे तक भिगोनी है आपको, यानी पूरा एक दिन आपको भिगोनी है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कम से कम 12 घंटे तो आपको इसे फूलने के लिए रखना है। और अब हम चलते गैस की तरफ बनाना शुरू करते हैं, तो चलते गैस की तरफ। फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक कढ़ाई रखी, आप कोई भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा भारी होना चाहिए। अब हम तेल को बिल्कुल हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। इधर हमने रखा है पानी, ये देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं बताइएगा, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, ये पानी रखा है। इसमें हम अपने क्या यूज करेंगे अभी आपको बताएंगे, तो पहले हम तेल को गर्म कर लेते हैं बिल्कुल हाई फ्लेम पर। तो फ्रेंड तेल हमारा हो गया, हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इस तरीके से अपने तैयार बैटर को इस तरह से डालेंगे छोटे छोटे, और ये फूलने के बाद डबल हो जाएंगे अपने साइज में। तो मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और इस तरह से हम डालते जाएंगे। तो हम दोनों स्टाइल के बनाएंगे, बड़े बड़े भी बनाएंगे और छोटे छोटे भी आपको बना के दिखाएंगे। तो देखिए किस तरह से ये ऊपर आ रहे हैं, यानी ये काफी अच्छे से फूले हैं। तो अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप इसको दो बैचेस में बना सकते हैं, मेरी इतनी बड़ी है कि मैं इसे एक बैचेस में बना पाऊंगी। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड देखिए 2 मिनट तक कितने अच्छे से ये पक गए हैं। अब इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे, बिल्कुल गुब्बारे की तरह ये फूल चुके हैं। तो बहुत ही केयरफुली आपको इसे हल्का हल्का सा इस तरह से पलट देना है। देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है इसका। अब इसे दूसरे साइड से भी 2 मिनट पका लेंगे, फिर इसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब 10 सेकंड हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये थोड़े से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए इसका जो शेप है कितना बढ़िया है और कितने फूले फूले से हमारे ये दही बड़े वाले बल्ले तैयार हो गए हैं। अब इसको हम अच्छे से 10 सेकंड रखेंगे हाई फ्लेम पर। तो फ्रेंड ये डन हो चुके हैं 10 सेकंड तक, और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और आपको ख्याल ये रखना है कि इसे बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, अगर आप डार्क करेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे और इसको हम तुरंत पानी में डाल देंगे। तो चलिए ये वाले भी निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने ये वाला भी निकाल लिया, थोड़ी देर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए और फिर हम इसको तुरंत पानी में डाल देंगे। अब इसको हम 10 सेकंड तक पानी में रखेंगे, ज्यादा देर पानी में नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड 10 सेकंड बाद हम तुरंत ही इसको इस तरह से पकड़ के थोड़ा थोड़ा सा ताकि एक्स्ट्रा पानी, और इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ज्यादा देर नहीं रखना है, ज्यादा देर रखेंगे तो ये ओवर ज्यादा पानी सोख लेंगे और ओवर हो जाएंगे, आपको ओवर नहीं करना है। इस तरह से देखिए थोड़ा सा पुश करेंगे और सारा पानी निकल गया और ये बिल्कुल सॉफ्ट हमारे बनकर रेडी हो चुके। अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से आप फ्रिज में भी लगा सकते हैं, जब आपका मन हो निकाल कर बना सकते हैं, यानी इसको डेकोरेट। तो चलिए आप बनाना शुरू करते हैं। जिसमें आपको दही बड़े प्रेजेंट करने हो इस तरीके से वड़ों को आप सजा लीजिए। तो बड़े बड़े वाले भी हम सजा सकते हैं, छोटे छोटे वाले भी। तो इस तरह से जितना हमें जरूरत होगा हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम फ्रिज में लगा देंगे, जब हमारा मन होगा खाने के लिए हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सजा लिया है थोड़ी छोटी दूरी पे। अब इस पर हम दही डालेंगे। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, हमने दही लिया गाढ़ा फटा हुआ दही, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए। और अब हम इसमें 1 चम्मच शुगर डालें यानी चीनी, और इसको हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो मैं बहुत ढेर सारा दही के साथ इसे नहीं डुबो कर रखने वाली हूँ, और आपको भी सलाह देंगे कि इसको दही के साथ डुबो कर मत रखिए, जब आपको खाना हो तब ऊपर से दही इस तरह से डाल लीजिए। दही को बिल्कुल अच्छे से हम फेंट लेंगे, सारे लम्स को हटा लेना है और गाढ़ा फटा हुआ दही होना चाहिए। तो ये मेरा 100 ग्राम दही था वेट में, और इसको हम अच्छे से शुगर डाल के, सिर्फ 1 चम्मच शुगर डाली है, अगर आप बड़े चम्मच डालें तो आधा चम्मच डालना, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे फेंट लिया है, अब हम इसको अपने वड़ों के ऊपर डालेंगे इस तरह से। आप चाहे तो पूरा भी कवर कर सकते हैं, लेकिन पूरा कवर मत करना, इससे लुक अच्छा नहीं आएगा। और इसके ऊपर जब आप दही डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा और मीठा दही होगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हमने सारा दही इसके ऊपर डाल दिया है, और अब हमने जो मसाला बना के रखा था वो डालेंगे।
तो ये हमने मसाला निकाल लिया है। इस तरह से हम हल्का हल्का सा मसाला इसके ऊपर डालेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं जो मार्केट में आजकल बना बनाया भी मसाला आता है। अगर आप ये बनाना नहीं चाहते लेकिन देसी मसालों के साथ इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमने हल्का हल्का सा मसाला इसके ऊपर डाल दिया। अब हम थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डालेंगे। तो चुटकी भर हम चाट मसाला इसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा डाल देंगे। और ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आपको होममेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके लिए बना दूंगी। तो ये हो गया। अब इसको हम गार्निश चटनी के साथ, तो ये मैंने इमली वाली चटनी ली है, इसको हम इस तरह से डालेंगे हल्का हल्का सा इसके ऊपर। तो और ले लेते हैं। तो इमली की चटनी बनाना बहुत ही आसान है। आप इमली को भिगो कर रख दीजिए पानी में गर्म में, और फिर उसके बाद इसको हल्का सा पल्प निकाल लीजिए उसका सारा, और छान लीजिए और थोड़ा सा पका लीजिए। तो लमसम 3 चम्मच तक हमने इसमें हरी चटनी डाल दी है। अब इसमें हम रेड चटनी डालेंगे। अगर आपके पास रेड चटनी ना हो तो आप कच्चा भी डाल सकते। तो इस तरह से हम इस पर थोड़ी थोड़ी सी रेड चटनी डाल देंगे इस तरह से क्रॉस बनाते हुए। और ये मेरी होममेड है, आप चाहें तो मार्केट वाला केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्यारे से लुक के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको गार्निश कर दिया है, बहुत ही प्यारा लुक। थोड़ा सा हम ऊपर से फिर से चाट मसाला, सॉरी ये जो मसाला है बना हुआ, ये डाल देंगे। और अब हम लास्ट में जो इसकी डेकोरेशन करेंगे वो हम करेंगे आलू भुजिया से। अगर आपके पास हो तो डालिएगा, ना हो तो आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए इसका कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और मैं इसे आलू भुजिया से डेकोरेट कर रही हूँ, आप चाहे तो सिंपल भुजिया से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए हो गई। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही अमेजिंग सा खूबसूरत जो लग रहा है, बिल्कुल मार्केट से मंगाया है, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। आपका मन कर रहा होगा इसे खाने को, बनाइएगा। आपको रेसिपी कमेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए हम आपको इसके दिखाते हैं कट करके, कितना मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट स्पंजी बना है। ये देखिए कितना फूला, भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी हमारा वड़ा बिल्कुल सॉफ्ट है, फ्लफी है। और आप इसे एंजॉय करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए और ईद में इसे जरूर ट्राई करना। पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और स्पंजी हमारे दही भल्ले या दही बड़े जो भी आप नाम दे इसे खा सकते हैं। और बना के रखिए भी फ्रिज में इस तरीके से, और स्टोर भी कर सकते हैं, 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ये इस तरह से। तो मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक ये दही बड़े एंजॉय कीजिए। बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।